नमस्कार। एठारे उपस्थित थिबा समस्त शुद्धि मंडली, गवेषक, बुद्धिजीवी, प्रेस मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु मानू राज्य अभिलेखगार तथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ अभिलेख सप्ताह पालन उत्सव आलोचना चक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। स्वागत जनाऊँ आज आलोचना चक्रर मुख्य अतिथि ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीयुक्त मधुसूदन पाढ़ी महोदय को, सम्माननीय अतिथि निर्देशक तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीयुक्त रंजन कुमार दास महोदय को, एवं आज आलोचना चक्रर मुख्य आकर्षण तथा मुख्य वक्ता प्राक्तन प्रोफेसर इतिहास विभाग मुख्य उत्कल विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र महोदय को। वर्तमान मु अतिथि मान को आसन ग्रहण करने निमंत अनुरोध करुच्ची। सहित अतिथि मान सर अतिथि मान श्री जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन कर आनुष्ठानिक भाव में आज सभा कार्य आरंभ कर निमंत अनुरोध कर। मोर सहकर्मी मानक अनुरोध करुच्ची अतिथि मानक पुष्पचार एवं अभिलेखगार तरफ मुख्य वक्ता महोदय को संवर्धन प्रदान करिबे निमंत। प्रतिवर्ष पर चलित बर्ष फेब्रुवरी 24 तारीख दिन की अभिलेख सप्ताह पालन करा। अभिलेख सप्ताह पालन आभिमुख्य होची गवेषक, पाठक, गवेषणारत छात्र छात्री एवं जनसाधारण अवगति एवं सचेतनता सृष्टि निमन्ते यह सप्ताह समग्र देश पालन करा जाए। अभिलेख सप्ताह पालन अवसर अभिलेखगारे गचित थिबा विरल और दुष्प्राप्य नथिपत्र, दलिल, दस्तावेज, सनद एवं मानचित्र इत्यादि गुड़ी को गवेषक एवं सर्वसाधारण अवगति एवं गवेषणात्मक सहायक निमन्ते आलोचना चक्र, कर्मशाला एवं प्रदर्शनी माध्यम जनमानस उपस्थापन करा। जो जाति इतिहास जिते संगठित तहार जीवन यात्रा से साफल्य मंडित जातिर इतिहास को संगठित करने समवेत प्रतिष्ठा आवश्यक। आज आलोचना चक्र विषय ओडिशा रे पाइक विद्रोह। डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र महोदय एम ए सर्टिफिकेट इन आर्काइव्स कीपिंग, पीएचडी, अवसरप्राप्त इतिहास प्राध्यापक तथा प्राक्तन विभाग मुख्य उत्कल विश्वविद्यालय। डॉक्टर मिश्र द्वारा प्रकाशित पुस्तक गुड़िक है पॉलिटिकल अनरेस्ट इन ओडिशा इन दि 19th सेंचुरी, लास्ट डेज ऑफ ओरिया मिलिशिया, ए किंगडम फॉर सेल, स्टडीज इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इत्यादि। और डॉक्टर मिश्र द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक आर्टिकल गुड़िक प्राय 250 रु अधिक हेबे। तन्मध्यरु इंडियन हिस्टोरिकल रेकर्ड्स कमिशन, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, ओडिशा हिस्टोरिकल रिसर्च जर्नल, जर्नल ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, प्रोसीडिंग ऑफ ओडिशा हिस्ट्री कांग्रेस, भारती ह्यूमानिटीज, उत्कल विश्वविद्यालय रिसर्च जर्नल, ओडिशा रिव्यू, उत्कल प्रसंग इत्यादि प्रकाशित। डॉक्टर मिश्र आग्रह क्षेत्र होची ओडिशा इतिहास, आधुनिक गड़जात इतिहास, आदिवासी सामाजिक, राजनीतिक और अर्थनीतिक इतिहास, कृषक श्रमजीवी इतिहास, सामरिक इतिहास इत्यादि, मेमोरीज एंड मेंशंस, स्टोरी ऑफ थ्री राजभवंस इन ओडिशा एक्सेट्रा। ताले आसंत सुनिबा डॉक्टर मिश्र ठारु। वर्तमान मु निर्देशक महोदय को सभा कार्य परिचालन निमंत अनुरोध करुच्छे। सुप्रभात आपण मानक समस्त को आज मनज्ञ उत्सव को राज्य अभिलेखागार तरफ
स्वागत जनाऊँगी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ समस्त स्वागत आज उत्सव में मुख्य अतिथि रूपे आम सहित अच्छा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीयुक्त मधुसूदन पाढ़ी महोदय और आम सहित मुख्य वक्ता रूपे अच्छा डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र प्राक्तन प्रोफेसर इतिहास विभाग उत्कल विश्वविद्यालय सार सहित मुझे विशेष सूत्र आम जड़ित कारण दीर्घ 36 वर्ष पर मुझे सारे आज देखिले आम जो 1985 मसीह बाणीविहार में उत्कल विश्वविद्यालय आम पढ़ु से आम हॉस्टल रोल गोपबंधु छात्रावास जो फास्ट हॉस्टल तार अच्छी सार तार सुपरिटेंडेंट हिसाब से अनेक पॉलिटिकल अनरेस्ट भितर से इंदिरा गांधी हत्या बेले जो प्रकार अनरेस्ट होता बाणीविहार सब अनेक इतिहास अच्छी जो थे कि सार प्रत्यक्ष भाव जड़ित थे आम दीर्घ 36 वर्ष पर सार को देखे ये वास्तविक मत बहुत खुशी लगला आज आर्काइव्स डे उपलक्षे आयोजित उत्सव में आज पाइक विद्रोह आलोचना चक्र रही प्रोफेसर मिश्र ताप आलोकपात करेंगे तबे मु मोर सभापति अभिभाषण जहाँ शेष को दे था दुई थर कहीं वक्तव्य देवी बोली एका थर मुझे सारी देपर आम मुख्य अतिथि कहे और मुख्य वक्ता से कहे ओडिशार इतिहास पर्यालोचना कला बेले अनेक गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति अनेक गुरुत्वपूर्ण स्थान अनेक गुरुत्वपूर्ण समय आम दृष्टि को जितेबाला आसे ता भितर सबुठ गुरुत्वपूर्ण जदि कौटा कहा जाई परिबो ताले पाइक विद्रोह को गोटे अग्रगण्य स्थान निश्चित भाव दि जा पार कारण पाइक से जो मैंने थिले से माने शांति समय चाषवास करुले और युद्ध समय युद्ध करुले मल्टीटास्कर्स थे मल्टीटास्किंग एग्जीक्यूटिव जमी आजिकल रोच्च विभिन्न ऑफिस रे सब प्रकार काम से पारंगम सेमती से जोबले नॉर्मल सिचुएशन बेले से नॉर्मल जीवन जापन करुले चाषवास करुले वणिज्य बेपार जमी जहाँ जहाँ करने कथा करुले जो युद्ध आवश्यकता पड़ूला से अंटा भिड़ी बाहर थे राज्यर रक्षा करने से केवल राजतंत्र रक्षक नथिले प्रकारांतर से माने ओडिया संस्कृतिर रक्षक थे यही कहीपरि कारण ओडिशार संस्कृति से जगन्नाथ संस्कृति को केन्द्र करी गढ़ी उठुला एवं बंची रही तेणु अनेक समय इतिहास विभिन्न पर्यायर आम देखीचे जगन्नाथ को सुरक्षा देवे पाइक माने गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका से नहीं तेणु से केवल राजतंत्र रक्षक नुहंती ओडिशार साहित्य संस्कृतिर रक्षक प्रकारांतर थे कहले अत्युक्ति हेबना तेणु से माने विभिन्न समय युद्ध जमी पारदर्शिता देखते सेमती राष्ट्र गठन में पारदर्शिता प्रदर्शन करते 1803 मसीहा ओडिशा इंग्रेज शासन अधीन को गला से खोर्धा राजा विताड़ित हेले तो खोर्धा राजा अधीन जो पाइक माने थिले से माने तांकर जो न्याज सब जो जमीवाड़ी से पाई राजा से सब थोर इंग्रेज सरकार वंचित कले विताड़ित कले तार प्रतिवाद रे एवं राजा को जो बंदी बनागला तार प्रतिवाद रे से माने पाइक माने धीरे धीरे दाना बांधा आरंभ कले से विद्रोह आरंभ कले 1817 मसीहा बेलू से आंदोलन गोटे कठिन रूप नहीं सारी एवं आमे जो इतिहास पर्यालोचना करुचे 1857 मसीह सिपाही विद्रोह को प्रथम राष्ट्र विप्लव हिसाब से आम अभिहित करुचे कि तार दीर्घ 40 वर्ष पूर्व ओडिशा समग्र देशर प्रथम सामरिक आंदोलन सृष्टि तेनाली वर्तमान प्रथम पाइक विद्रोह को आम प्रथम स्वाधीनता संग्राम मान्यता देवाई वर्तमान ओडिशा सरकार तरफ केन्द्र सरकार मुख्य दाबी रखा जाए विभिन्न स्तर में जनसाधारण आरंभ कर विभिन्न स्तर में दिगरे आमर दाबी किभली भाव में न्याज ताकू प्रतिपादित करने आलोचना चक्रमान आयोजित हो दाबी उपस्थापन होशा रखुच्छे निश्चित भाव में सरकारी अनुमोदन पा न पाऊ लोकों मानस अनुमोदन निश्चित भाव से लाभ कर तेना आज से गौरवमय परंपरा विषय आलोचना करने आम जो मान्यवर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पाइचु तमें शुणा तेणु पुणी थे आपण मान समस्त आज उत्सव को निश्चित भाव में स्वागत करुँ जाऊ एथर गोटे खुशीर कथा जे अनेक थर आलोचन आम वयस्क लोक मैं एथर बहुत तरुण तरुणी को आम पाइचु से देशर भविष्य तेणु से सहित कौन से आलोचना कले दीर्घस्थायी हम ये विश्वास आमर अच्छी तेनाली आज स्वागत केवल आम करूँ बारंबार आगामी दिन में जिते आलोचना चक्र हम आपठ जोगदान करूँ बोले आम निश्चित भाव में आशा और आग्रह रखु पुणि थे आपण मानक समस्त स्वागत अभिनंदन धन्यवाद।
बर्तमान आम अनुरोध करुच्छ आम आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त मधुसूदन पाड़ी महतो उपस्थापन कर वक्तव्य। जय जगन्नाथ, समस्त को नमस्कार। मंचासीन आज मुख्य वक्ता तथा प्रोफेसर प्रसन्न कुमार मिश्र सी आज आम मुख्य वक्ता आम शुणा ओडिशा रे पाइक विद्रोह तथा मोर सहयोगी सहकर्मी रंजन बाबू डायरेक्टर ए आर्काइव्स रो सुपरिटेंडेंट सोलोमन बाबू तांकर समस्त सहकर्मी आज आसीथिबा समस्त अतिथि एवं जो माने छात्र छात्री एई सभा को आछन्दि समस्तंकु अभिनंदन जणाउछि। आर्काइव्स आमर स्टेट आर्काइव्स 1960 मसीह रे स्वतंत्र भाव रे गठन करा जायथिला। तबे 1960 रु आज पर्यंत जो ये भितर आर्काइव्स रो बहु गुरु भूमिका निर्वाह करछि एवं विभिन्न समय विभिन्न रिसर्चर एवं सेमाने तांकर रिसर्च रो सब्जेक्ट मटेरियल एठु पाइचंती एवं तांकर रिसर्च को आगु को नेइचंती। या उपर मध्य आर्काइव्स रो बेस करकि जदु आर्काइव आमर 1960 रे गठन हला तार बहु पूर्वर बहु आर्टिकल बहु डॉक्यूमेंट मध्य एठी गच्छित होइकि रहिछि। विशेष करी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट्रेट सेठु मध्य बहु डॉक्यूमेंट आसी एठी गच्छित होइ रहिछि। तबे आजिर तारीख रे जो भलिया आमर टेक्नोलॉजी आसिलानी एवं पेपर रो जो आमर कागज रो नथिर जो बयस तार भी गोटे सीमित बयस अच्छी एवं समय क्रमे ता एसिडिक होई आस्ते आस्ते तार रंग हलदिया हो जाए एवं किसी समय पर ब्रिटिल मध्ये जाए माने भांगी पड़िबो। आपण माने पुरुणा देखथुबे तेणु से गुड़िक डॉक्यूमेंटेशन करिया वेदर ताकु फोटो करि पीडीएफ रे रखिबो किमा माइक्रोफिल्म करिबा ए सब दायित्व वर्तमान आर्काइव्स रो निश्चित भाव बढ़ी जाइछि। तेणु से ही दिगरे आमर कार्य होवा दरकार। यही आर्काइव रु रिसेंटली बेस करके किसी डॉक्यूमेंट नहीं आमर जने रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर श्री अशोक बड़ गोटे बही लिखिंट गजपति से आर्काइव्स रु नहीं आर्काइव्स जो कर्मकर्ता साहय कर प्रशंसा कर एक्नोलेजमेंट रे बहु वर्ष ते 90 दशक श्रीत जगन्नाथ प्रसाद दास गोटे बही लिखी देश कालपत्र से संपूर्ण भाव आर्काइव्स मेटेरियल आधारित प्राय एवं से डॉक्यूमेंट को लेकिन से बही इंग्लिश रे भी परवर्त समय ट्रांसलेट हो टाइम एल्सवेयर जोटा कि बहुत प्राय 1850 रु 1920 भीतर 70 वर्ष ओडिशा रे जा घटी से विषय बहुत सुंदर भाव वर्णना कर एवं मु भावुची अधिकांश एठी जो माने बसछन से भई पढ़थिबे। तेणु आर्काइव रो जो कंट्रीब्यूशन मु जस्ट स्वल्प भाव कहली एबे मध्यम बहुत आर्टिकल अच्छी ताको आमे सिस्टमेटिकली रखि पारनु एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रो मध्य निकट अतीत रे आमे इंटैक्स सहित गोटे एमओयू एग्रीमेंट हेछि जोथरे कि इंटैक सेठिकार दस्तावेज को केमिति प्रिजर्व करिबो एवं प्रोटेक्ट करिबो सेथिपई स्टेप्स नबो। तबे इंटैक मध्य स्टेट आर्काइव सहित भी काम करुच्ची तबे से मेथड रे से सब डॉक्यूमेंट को समान ट्रीटमेंट देबे नै इम्पोर्टेंस नै कि प्रायोरिटी एज करिवे। तबे आमर बहुत मटेरियल अछि जोटा कि से भलिया आमे सेते खर्च करि परिबानी तबे साइंटिफिकली आमे ताको मेंटेन करिवा आवश्यक आउ ताको लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करी फिजिकल को हमें डिजिटल को कन्वर्ट करिया दरकार। आज तारीख में आम आर्काइव्स रे जहाँ आम मुख्य वक्ता आलोचना सभा पूर्व सहित मुझे से कहले वर्तमान आर्काइव्स रो जो आर्काइविस्ट जो मैंने प्रिजर्व करिए घोर संकट कहीं नहांती कहले चले एक जस्ट खाली से भाया चलती यापर कि पदक्षेप हवा दरकार। मु आशा कर जे आमे आगामी 3 to 6 months भितर यह विषय ठोस पदक्षेप नहीं आमर जो मेन पावर रो जो आमर असुविधा अच्छी ताकु दूर करने निश्चित चेष्टा करिबु किंतु चेष्टार फल हम बोली आशा एवं कारण विगत 30 वर्ष भितर कौन रिक्रुटमेंट होना ये तेणु ताकु पूरण करवा एत शीघ्र सब एवं पोस्ट बढ़िया दरकार। आर्काइव्स रो
जी स्थान अच्छी पूरण भर्ती गला आ नुआ रेकर्डस आने विशेष स्थान नहीं से यार मानने आउ गोटे नुआ बिल्डिंग आवश्यकता रही जमती तार पचपट जगह अच्छी से गोटे पदकेप आम चिंता कर डायरेक्टर आ सुपरटेडेंट सहित तबे आज दिवस आपण मान मुख्य वक्ता विषय में मुझे विषम ठिया भी नहीं कारण से जो विषय आलोचना करने को जाऊँच विषय आम समग्र ओडिया जाति ओडिशा लोक से समस्ते ताऊपर वर्तमान चिंता एवं विभिन्न खबर कागज विगत दुई तीन वर्ष है विषय आलोचना एवं भारत सरकार वर्तमान जाए मान्यता देना तेज पाइक विद्रोह स्मारकी तैयारी खोर्धा ठारे जमी प्राय 10 एकर जमी वर्तमान एडवांस पोजिशन आम राज्य सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट एप्रूव कर केंद्र सरकार ताकु नहीं यथाशीघ्र से काम आरंभ करेंगे तबे खाली स्मारक करदे हेनी ता विषय अन्न्य तथ्य डॉक्यूमेंटेशन एवं पेपर्स युड़ाक सबूले कार्य है तार कि जातीय स्तर आंतर्जा स्तर में तार कि मान्यता मिल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष किसी लाभ हम ना तेणु आज विषय पर डॉक्टर मिश्र जो कह निश्चित उपादेय मु अनुरोध करी जहाँ स्पीच देवे डॉक्यूमेंट भाव में आमको देवे सो दैट आम आम पब्लिकेशन रे रखिबो धन्यवाद जय हिंद वंदे उत्कल जननी वर्तमान समय उपनीत होती आम आम आज मुख्य वक्ता श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार मिश्र को आम शुणा सर अनुरोध करी वक्तव्य उपस्थापन करेंगे आज सभापति संस्कृति विभाग निर्देशक श्रीयुक्त रंजन कुमार दास संस्कृति विभाग शासन सचिव श्रीयुक्त मधुसूदन पहाड़ी आर्काइव्स अधीक्षक डॉक्टर शेख सुलेमान अली भूतपूर्व राज्य अभिलेखागार अध्यक्ष श्रीयुक्त प्रहलाद साहू श्रीयुक्त विवेकानंद दास मोर सहकर्मी कमरेड प्रोफेसर अशोक कुमार पटनायक तथा भारतीय अभिलेखागार निर्देशक डॉक्टर सत्यनारायण मिश्र मैडम शकुंतला बलिहार सिंह मो तल बैच पढ़ुले एवं अन्यान्य शुद्धिगण सज्जन मंडली छात्र छात्री एवं जो माने चाहती जे पाइक विद्रोहटा भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो मु जहाँ कह कि कहानी कह गप कह अभिलेखागार मुझे छात्र 1970 जनवरी मसर मु राज्य अभिलेखागारे मुम कर आसुली तेणु जहाँ मुझे गवेषणात्मक विषय उपस्थापना करी 1982 मसीह तापर पुणी कर 2017 मसीह जो आमर हेला जे पाइक विद्रोहटा प्रथम स्वाधीनता संग्राम हम कमिटी बसला कमिटी मु गोटे सभ्य थी से मोर जहाँ मत मुझी तापर जहाँ भारत सरकार कौन है से कले तेरे से जहाँ हो कही मुझे बर्तमान मोर वक्तव्य मु किटा जिन सोचा को चाहिए पाइक विद्रोह समस्ते जानती कहीं एमती न जाणी बोली किसी ना कि 2017 एपर्यंत प्राय समस्त अल्पे बहुते पाइक विद्रोह विषय जानते पाइक विद्रोह मान 1870 पाइक विद्रोह जहाँ पचारे 1870 पाइक विद्रोह पाइक विद्रोह तमें इंग्रज विरुद्ध आंदोलन इंग्रज विरुद्ध आंदोलन जो इंग्रज अधिकार कले 1803 अक्टोबर मस रही कटक बारवाड़ी दुर्ग दखल कले ठीक तापर पर इंग्रज मान विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गला
तबे गोटे कथा हो जो आंदोलन आरंभ है आपण मैंने समस्ते इतिहास गुणी लोक जानी आम मैने इंग्रज मान को निमंत्रण कर मरठा वर्गी मैंने अत्याचार कर जगन्नाथ को रक्षा कर इंग्रज मैंने गंजाम आड़ आसिले एवं गंजाम आड़ आसलापर ताकु प्रथम ताकु बाट देखले किए ना मालुद्र हाँ फतेहदास शेख फतेह जो महम्मद तापर जो से आसिले खोर्धा टेरिटरी की पशापी खोर्धा अंचल को पशापी राजा नाबालक से मना कले उपदेष्टा आडभाइजर तर देवान व्यवर्ता जहाँ कहतु जयकृष्ण राजगुरु सहमति करी कि नथिले आम पाखे निर्दिष्ट ऐतिहासिक तथ्य ना तेरे से जहा जत जिनस आमर पाइक मैंने कौन करुले पाइक सर्दार मान कौन करुले पाइक सर्दार मान मु जाने पाइक सर्दार मान दलई दल बेहरा खंडायत आत राजा नेक्स्ट रैंक राजा तलू सामरिक क्षेत्र में थिले बक्सी तेना बक्सी जगबंधु विद्याधर एक नाटा आमको आसूसी से बक्सी जगबंधु विद्याधर कौन करुले जो इतिहास गुणी मान को सज्जन मंडली को तथा कही रखे जे इंग्रज आसिया पूर्व जो मराठा शासन थिला मराठा शासन बेले बक्सी जगबंधु थिले रोडंग जमीदार थिले किंतु तांकु रोडंग जमीदारी रु बाहर कर दिया गला काहेकि तांको ना रे गोटे हत्या अपराध मामला जोड़ी दिया गला मराठा सुबेदार तांकु रोडंग जमीदार रु बाहर कर देले बक्सी उपाधि नहीं गले तांकर आउ तांकर जोटे साधारण लोक हिसाब से रहिले बक्सी गले कुआडे बक्सी फ्यूजिटिव हो गले पलातक हो गले किसी वर्ष पर ठीक इंग्रज मानकर ओडिशा आक्रमण अव्यवहित पूर्वर से आविर्भाव हेले एवं तांकु रोडंग जमीदारी तांकु फेरे दिया गला जदि रोडंग जमीदारी तांकु फेरे दिया गला ताले बक्सी जगबंधु से तो इंग्रज विरुद्ध लड़े करते ना 1804 रोडंग जमीदारी फेरेले इंग्रज माने यहाँ गोटे कारण है पारे इंग्रज तक मानते जेहेतु 1804 रोडंग जमीदारी जो मराठा छड़े नहीं थे क्यों पुणे फेरेदे स्वतंत्र भाव में लेखाई से बक्सी जगबंधु मात्र जो नाम मात्र लोक तर कौन से रैंक नहीं पदवी नहीं शक्ति किसी ना ये जिनस ओडिशा स्टेट आर्काइव्स रेकर्डे अच्छी मेनसन करते किए मिस्टर आर रॉक एंड डब्ल्यू की सोलेमन से कहते कौ परिप्रेक्षी कौपर अवस्था से फेरी पाइले कि 1804 हूँ इंग्रज अधिकार कर सारे तेज जहा जो से तेणु जयकृष्ण राजगुरु नेले नेतृत्व नेले इंग्रज विरुद्ध आंदोलन कले सी क्या कि ना ये पाइक मान को लेकिन से आंदोलन कले जयकृष्ण राजगुरु बिकेम द हीरो ऑफ द सिचुएशन तांगे अन्य माने समस्ते कनिका राजा कुजंग राजा अन्न्य जमीदार मैंने साहय कले पाइक सैन्य पाइक सैन्य फुट सोल्जर पदाटिक तेणु पाइक मानकर गोटे देशप्रीति कही दास कहते देशप्रीति राज्य प्रीति जगन्नाथ प्रीति संस्कृति प्रीति ये से मूल 1804 मसीह
तबे जहाँ से जेहेतु सेटा से जो आंदोलनटा खूब चंचल दबिगला खोर्धा अधिकार पर कहीं ना 1803 सेप्टेम्बर 19 तारीख रु 1805 सेप्टेम्बर 19 पर्यंत सेतबेले हारकोर्ट एवं मेलभिल कहले जे बर्तमान आमर 2 वर्ष होगा मिलिटरी इयर देखले मात्र गुली करबु मारदबु तेणु एत सहसा चंचल सांगे सांगे खोर्धा अधिकार कले किए मेजर रॉबर्ट फ्लेचर यदि मेजर रॉबर्ट फ्लेचर बरुणा हिल पाखे खोर्धागढ़ को अधिकार कले रजा गले कड़े रजा गले कौन ना बरुणा जंगल लुचिक रही परिवार वर्ग संग जयराजगुरु को पठेले जो हारकोर्ट सांगे आलोचना करने जयराजगुरु से बंदी हेले तबे यही तेणु यही मिलिटरी इयर भितर शासन किसी नाला मेलभिल लगे केमती मानने शासन करोटा रेवेन्यू कौट कि आदा कर सब कौन कर सी तो बहुत बड़ कथा लंग लंग हिस्ट्री तेज जहा हू जदि 1805 मसीह खोर्धा अधिकार करागला राजा बंदी हो गले जयराज गुरु को मृत्युदंड दिगला कौटे दिगला से कहीपरिनी किंतु मृत्युदंड दिगला गोटे केते गुड़े रेकर्ड अच्छी जे मुकुंद देव को कटक बारवाटी फोर्ट रु मिदनापुर जेल को निगला केते पैसा खर्च हे तांगे कौ मैंने एस्कोर्ट्रे जी बाटे कौ जगह से रे बालेश्वर रही बालेश्वर तापर से जीवे जो मिदनापुर जेल तक पठा जदि बारवाटी फोर्ट्रे जयकृष्ण राजगुरु बंदी होते राजा बंदी होते राजा को निगला मिदनापुर जेल गला तेल जयकृष्ण राजगुरु कौट गले आम जहाँ आम सब मुझे आगुरी पढ़ी थी जे बालेश्वर से ये तटे फाँसी दिगला बोल कि मोर 20 वर्षर गवेषणा अनुभूति में मुझे मिदनापुर जेल जा जेल जा जेल रेकर्ड देखा जा जेल रेकर्ड देख ली विथ ड्यू अपोलोजी मुझ पीरियड में जयकृष्ण राजगुरु फाँसी विषय किसी मुझे ना मुझे विषय में तत्कालीन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महेश प्रसाद दास को पचारि सर मिदनापुर जेल रेकर्ड मुझे खोजिली किसी पाइल ना हजि जा नष्ट नष्ट तेब से जा तेब से जहा जयकृष्ण राजगुरु जो सैक्रिफाइस जो त्याग इतिहास निश्चित भाव सब बेले सब सबुदिन लिखित होकर रही थो जेपर्य आम पाइक विद्रोह को आम मन रखि 1805 रु 1816 मसीह पर्यंत ये पीरियडा हूँ ओडिशा इतिहास गोटे कलंकित अध्याय इंग्रेज माने जिते प्रकार जथेचाचार जमी जमा बंदोबस्त कर आदाय विचार विभाग शैली लुण कर कौड़ी ये सब जिन सी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री तेरे यो पीरियड भितर जहाँ हो जाटा वर्स्ट अफेक्टेड होती पाइक पाइकर जो निष्कर जमी से भोग करते मिस्टर दास कहते जे से शांति समय चाष करेंगे से ओरिजिनल से कल्टिवेटर तेनाली पाइक है लैंडेड मिलिशिया क्लास मोर गोटे बही गोटे बाहर कर 1996 रे लास्ट डेज अफ ओरिया मिलिशिया सेत बड़े जो मुख्यमंत्री जानक भल्ल पट्टनायक कहते ओडिशा ओडिया रेजिमेंट ना मुझे से बहुत करके देखी दर वाज ओडिया रेजिमेंट पाइक रेजिमेंट तबे से पाइक माने एते वर्स्ट अफेक्टेड हेले जो जनवरी 1817 मसीहा सुधा 1805 रु 1817 जनवरी पर्यंत
14,255 केवल पाइक राज्य खोर्धा छाड़ी से पड़े गुजरात राज्य को मुगलबंदी अंचल को तो से नुहे इंग्रेज जो कलंकित जो अध्याय जो ये जो पाँच रु ये षोह दस एगार वर्ष भितर 1011 ओडिया जमीदार जमीदारी हर जगह आसिले अण ओडिया तो देखते 1011 जमीदार ओडिया जमीदार जमीदारी हल्ला टोटल कटक से ओडिशा प्रोविंस मान हूँ कटक प्रोविंस ओडिशा खाली ओडिशा ना 1765 मसीह ओडिशा आर ग्रांट ऑफ दीवान होता है ओडिशा कौन केवल मिदनापुर जिला जो 1803 जो अधिकार केवल कटक प्रोविंस मान उत्तर कटक दक्षिण कटक उत्तर कटक हूँ अप टू आप सुवर्णरेखा जीवर पर्यटन दक्षिण कटक है आपंकर ऋषिकला जीवर पर्यटन तेनाली कटक प्रोविंस कहते हैं ये पाइक विद्रोह पाइक रिबेलियन कहूँ ये पाइक रिबेलियनटा को मध्य से इंग्रेज सरकार मैंने कहते कटक रिबेलियन कटक प्रोविंस कहते ओडिशा प्रोविंस जो मेंशन ना कटक प्रोविंस कहते जो जहाँ तेब यू पाइक मान ये जो दुर्दशा किए रक्षा कर किए बक्स जगबंधु जी पाई रोडंग जमीदारी फेरी पाई अमलातांत्रिक चंचकता फल सी 1808 मसीह रोडंग जमीदारी हर लड़े गले 1813 मसीह से फाइनाली से हारीगले गोटे टाइटल डेट से दे पारे ही बिकम मैड से पूरा पगल हो गली पगल हो रास्त बुलले जमी पगल मैंने बड़ बड़ पार्टी करती विराट पार्टी गले लोकंर प्रति सहानुभूति सम्मान दूसरे कितु बक्स जगबंधु नाचार से कौन करेंगे से जान पार ना तेणु 1816 मसीह पर्यंत 1813 रु 1816 मसीह पर्यंत ही वाज बेगिंग आर्म्स भिक मगुले द्वार द्वार नुहे लोक आउते आउते गोटे बड़ गोटे बड़ पर हि हा टू वाइफ्स देन जोड़िए स्त्री थी गोटे शेरगढ़ जमीदार घर झी आ गोटे बड़म्बा राजा झी गुड़े गुड़े इलिंगा सिलिंगा पु सब थे नाचुराल सन अनाचुराल सन आडप्टेड सन गुड़े पूरा शहे खंडे पर चल तेनाली पाइक मैंने किमती आशा करेंगे जे आमर ये नेता हे कि से समय पड़ोसी राज्य गंजाम जिलार घुमसर घुमसर जमीदारी से ते राजनैतिक अस्थिरता से देखाई 1782 मसीह शिखर भंज तांको पु धनंजय भंज एमाने इंग्रेज मानक द्वारा अत्याचारित होते जी ट्रिब्यूट पेशकश देवा कथा एम पार नी कि घुमसर जमीदार बा राजा शिखर भंज तेणु शिखर भंज बक्सी जगबंधु गोटे थी मानने फैमिली रिलेशनशिप सब था शिखर भंज कितु से जाऊ से जेल तर जा धनंजय भंज से कड़े पलिगले सर्दार जड़े थी कंध सर्दार दोरा विषयी कंध सर्दार ये गोटे पॉइंट मुझे कहीपे से कंध सर्दार बेणिया कंध किंतु एससी मैकफर्सन गोटे रिपोर्ट अच्छी जोटा कि आप देखिपारे मुझे सेक्रेटेट रेकर्ड रूम से रिपोर्टा मुझे देखी थी सी अच्छा लोअर घुमसर से लोक मेनली ओडिया तेरे से दोरा विषयी
सांगर आगुरी संपर्क थिला यही समय रे जो 1813 1816 मसीहा बक्सी जगबंधु प्रकार अवस्था रे से साहय करने को चाहिए किंतु साहय कर पारे ना। जनवरी 1817 मसीह मराठा किसी मानने अंताजी नायक कन्हाजी नायक बोलते जोनस एवं नागपुर पर्टिकुलरली मेसेंजर आसिले जे बक्सी जगबंधु को साहय करने बक्सी जगबंधु मतलब सम्मति प्रदान कर हाँ आम इंग्रेज विरुद्ध से मैंने इंग्रेज विरुद्ध में आंदोलन कराया चाहूल एठ गोटे अशांत होता और घुमसर मैंने अशांत अवस्था था। तो जनवरी 1817 मसीहा सुधा बक्सी जगबंधु यू साज्य पाते कि साहस कर पार नारिश कंध 29 मार्च 1817 मसीह घुमसरु बाणपुर आसिले बाणपुर आसी पहुँचा पर जो पाइक मान ये हंदस्त क्षतविक्षत होते बक्सी जगबंधु यही सुजोगटा पाइले तेना पाइक मान को लेकिन से बाणपुर जो 400 कंध किए पठाई मोर मद्रास स्टेट आर्काइव्स एक्जाक्टली पाइली एक्चुअली किए पठाई आमर छतरपुर कलेक्टर जो रेकर्ड रूम थी आम अच्छे आर्काइव्स अच्छी तेलुगु अक्षर लिखा ही मुझे दिन तेलुगु शिखिली से कितु कौच जो वन कंध सर्दार सेंट 400 मेन डिनोमिनेटेड कंध बोल कि यहाँ आम हिस्टोरिकल रेकर्ड अच्छी तेज जहा हूँ 29 मार्च 1817 मसीहा रे ये सूत्रपात है प्रथम बाणपुर रे ये 29 मार्च 1817 मसीहाटा को खाली टे कहीद मानने मु बहुत कष्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहूली पकला गामसा पिंधिकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेकर्ड रूम पर चढ़ी मुझे दरांडु थी बसिक तले बसिक दरांडुची हठात गोटे लुज रेकर्डस बहुत लुज रेकर्डस लुज रेकर्डस भितर हठात गोटे गोटे से जो नाली नाली सूता खंडे गुड़ा होता ताकि देखिली से गोटे गोटे खंडे लेखा गोटे गोटे चिरिकुटी लेखाही से चिरिकुटी क्लीयरली से लिखिंट जे 29 मार्च 1817 मसीहा शनिवार दिन मैं सटरडे एतिक लोक आसिले आसिकी बाणपुर पाइक मान सा मिसिकी ए प्रकार ध्वस्त विध्वस्त सब गंडोल आरंभ कले मुझे पाई सारापर मोर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर मनमथ नाथ दास देखे सारे यहाँ आनी ना ये हाथ लेखा तुम आनचो कहीं कौन करी ना तर जेर छेदे जेरस पाउडर जेरस जिते जेरक्स था पाउडर जेरक्स पाउडर पकईकी मानने कौन करी ना ठीक अच्छे मोर थेसीस से ही पॉइंट कल 29 मार्च 1817 मसीह पाइक विद्रोह सूत्रपात है करवरेट करने कटक मजिस्ट्रेट था एडवर्ड इम्पे से दिन ही सैन्य सैन्य पठैले जे गंडगोल आरंभ है तेणु एठ देख से 400 कंध प्लस ये जो 105 गड़ एंटार खोर्धा टेटर 105 गड़ प्रत्येक गड़े था आपणकर दल बेहरा दलई खंडायत एवं पाइक मानी 105 रु बोधे का भाक बोधे तीन चार बोधे मैं गड़र मानने दल बेहरा जोग दे बाकी मोर दैन 90-95 एमाने जोग देले एंड देर स्टार्टेड द पाइक रिबेलियन आरंभ है। पाइक रिबेलियन आरंभ है विशेषत्व हूँ कौन आसिकी प्रथम आगे हूँ खोर्धा है सेंटर एपी सेंटर खोर्धा प्रथम से खोर्धा अधिकार कले इंग्रेज सरकार मैंने एत दूर भयभीत हो गले संभवतः बोधे आमको बोधे राज्य छाड़ी चल जा पड़
तेनालीर समस्त प्रकार बल खर्च खर्च कले कि खोर्धा घुसा पुणी रिअक्युपाय करेंगे पुणी आउ थे पुणी फेरी पाइबे 24 आवर्स खोर्धा रहा बक्सी जगबंधु अंडर कब्जा रहा ये पाइक मान कब्जा रहा के पाइक थे 10-12,000 पाइक दस रु 12,000 पाइक खाली पाइक नुहे मत कंध हो से सन्तुष्ट नहीं कि मुख्य पर्सियन डॉक्यूमेंट गोटे पर्सियन डॉक्यूमेंट लिखाई जे फिरिंगी हटाओ बा फिरिंग को बाहर करो तापर सने गले पुरी गले पुरी की पुरी रे सही प्रकार पुरी की सने कब्जा कर रखले टोटल 12-18 घंटा से पुरी की एई बक्सी जगवन तांको पाइक माने कब्जा कर रखले एवं सेते बेले पुरी आदिवासी माने इनको सहाय कले पुरीर पखापाखि जिते सब कल्टिवेटर्स एग्रिकल्चर से साय कले जो पुरी पंडा ब्राह्मण मान आप ब्राह्मण ये जो पुरी पंडा मान जो पुरी प्रिस्ट जो मैंने 1803 मसीहा पूर्व इंग्रेज को निमंत्रण कर आस बोल कि बर्तमान पुणी इंग्रेज विरुद्ध बर्तमान स्वर उत्तोलन कले कहे आमर गजपति आमर आम जगन्नाथ आम गजपति तापर ये गले गजपति गले मुकुंद गले आप ना 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 थे मुझे मिदनापुर जेल में बंदी हो कष्ट आउ ना से लुचिले लुचिले से हतोत्साह अवसर है किला ना आमर गजपति होंगे आमर एवं आम इंग्रेज को हटेबु यही स्लोगान रहा तो देखो से मनोभावटा कौन इंग्रेज हटव एवं गजपति आमर आमर रही आमर राजा हो रे आमर ते आम सदस्य आम स्वदेशी आमपाई आम इंग्रज जीव से जीत आप लेट 19 सेंचुरी रे बा आर्ली 20 सेंचुरी जो स्लोगान थिला इंग्रज हटाओ के अशोक पटनायक डॉक्टर अशोक पटनायक कैन से इंग्रज हटाओ जो स्लोगानटा के आरंभ है महात्मा गांधी को ईयर के आरंभ है अफ लेट कि देखो 1817 मसीहा भाई गोटे जगह कटक 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 जिला ता भितर बक्सी जगबंधु विद्याधर और पाइक सैन्य मनोभाव जे इंग्रज हटव फिरिंगी हटाओ एवं ये जो फिरिंगी फिरिंगी मान प्रति जो तो घृणा भाव ये जिनसटा आम कौन आम आमपाई किंतु से गोटे कथा इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी छोट हेले छोट जगह हेले कौन हम तक तो मनोभाव भावनाटा कौन से आम से कनसेप्ट से इंग्रज हटव इंग्रज जीव से जीणतु न जीणतु न जीणतु शक्ति निर्भर कैम इंग्रज शक्ति शक्ति किसी नुहे तो जहा से पूरी 12-18 घंटा अख्तियार रहा मुकुंदव बंदी हेले एवं मुकुंदव बारवाटी फोर्ट को अणगला यही समय भितर नेक्स्ट स्ट्राटेजी है बक्सी जगबंधु खोर्धा है पूरी है कौटा कटक पूरी रु से गले कटक कटक गले कटक को कटक चारिपट से घेरिक रही एबे जो बीड़ानासी कहते जो गोपालपुर कहते एपटे जो आप नजार तीनपट कटक घेरिक रही एक इंग्रज सरकार जाणी जहाँ ट्रेजरी जहाँ सब संपत्ति सब था सब महानदी पठा को सब पठेदे काले संपत्ति काले मैंने लुट कर नहीं प्रकारातरे देखु खोर्धा पूरी कटक तीन टा मोस्ट स्ट्राटेजिक जगह को से अख्तियार कर लगे कहतु तो से 1817 मसीह ये प्रकार जिनस पूर्व कौट कौटे आम तो मोर मो जानवर ना कि ना कहीपर 1857 सिपाही मुटेन सिपाही मुटेन सिपाही मुटेन समस्त जानते तेणु सिपाही मुटेन दर वाज नो
कनसिस्टेंट वन लीडर जोटा कि पाइक विद्रोह दर इज ओनली वन लीडर एंड ही हाज वन लेफ्टनेंट वेरी स्ट्रॉन्ग लेफ्टनेंट जहाँ इतिहास प्रेम मैंने भूली जाए कि जाने आम सी हूँ कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय जे कि गजपति मुकुंद देवं देवान पु सिक्को छात्मा जो खोर्धा छात्मा जमीदारी ही वाज ऑलवेज क्लोज टू बक्सी जगबंधु बक्सी सांगे सांगे से सब से रही थे तेणु 1857 मसीह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम जी कहते जो ऐतिहासिक कहते आम तो 1817 मसीह कहे आम कौ गुण से कम 40 वर्ष पूर्व जदि ए प्रकार स्लोगान ए प्रकार मनोभाव आम मानक भितर थिला आम पाइक सैन्य आम से सिपाही लड़े करते आमर मत मिलिटारी आम जो मिलिशिया क्लास पाइक सैन्य आम लड़ी कहते हैं आम कौ गुण से कम आमर आमर कौन से आमर से जो कनसेप्टा से जो कनसेप्टा से 1817 मसीह कैन यू फाइंड इट आम मुक्ति चाहूँ का मुक्ति चाहूँ आम इंग्रेज सरकार मुक्ति चाहू तेणु आउ गोटे जिनस हूँ कौन 1817 मसीह विद्रोहटा 1817 मसीह ही मानने तुटि जा ना जदि तार मानने ग्राविटी बहुत कमी जाता कितु से ओडिशा कटक पुरी बालेश्वर चारिआड़े पाइक विद्रोह पूरा व्यापी जा 1817 मसीह 1824 नवेम्बर पर्यंत तो नुआ गोटे मानने जिनस उद्भावन कौन आम तो कर दौचे तेनाली बर्षा दिन कौन कर नदी बंध काटि दि जल जमीटा सब बना प्लावित हो जाऊ फसल हेनी बस आम फसल तो नहीं तुमको कर गोटे दबू आउ गोटे उपाय कौन है पाचिला पाचिला धान पाचिला फसल ताकि जाली पड़ी दि आम आम तुमको गोटे करदबू कर न पाले से आप आपे पलि तापर कह ठीक अच्छे आम से खोर्धार अच्छू बोल कि अमक जगह अच्छू बोली सीना तुम तक ये कर आम बर्तमान बर्तमान राज्य छाड़ी आम जंगल को पलू आम जंगल में फलमूल खाई रही से मस मस बर्ष बर्ष धरी रही आम सीना आम सीना गाँव में थे सीना आम गड़े थे सीना तुम आम सीना जो सर्वाकार आसिक मानने कर अदा कर प्रधान आसिक कर अदा कर ये तीनोटे जिनस को से पूरा पूरी स्टिक कले 1818 मसीह 1822 मसीह पर्यटन 4 वर्ष काल फॉर लॉन्ग 4 इयर्स आउ कौन कले आजिकल किसी मानने विदाउट एन रिफ्लेक्शन आजिकल आम कौन सभा समिति कर गले कौन जो पॉलिटिकल लीडर मैंने गले लोक को धरा है आस ट्रक ट्रक लोडिंग चारिस्मेटिक लीडर हूँ बक्सी जगबंधु गोटे कल गोटे डाक दौर 5000 रु 7000 जो कि 5000 रु 7000 लोक पूरी सागर गले ओनली वन कल गोटे कल सी खाली ठेक गोटे तुम्बा लगे कही ना एत सुंदर भाव गोटे लीडरशिप क्वालिटी समस्त एक जमी कहते मैं गोटे विद्युत भाग ये जो बार्ता चलीगला सांगे सांगे सब लोग लोक चली आसे भल्युटारली लोक मैंने पचर रही एवं जदि से लुचिक रे बहुत विभिन्न जगह लुचिक लुचिक रे जनसमर्थन 1822 मसीह पर्यटन पूरा थिला आउ इंग्रेज सरकार विरुद्ध लड़े करवाटा एत सहज नुहे कि गोटे कि कथा कौन कि देखु सिपाही म्यूटिनी केतमास बीतला 10 मे 1857 रु टिल द एंड ऑफ द ईयर और जो समय सरी जाऊँगी जो समय सरी जाऊँ सिपाही म्यूटिनी से समय आम शेष आउ थे डिपोट जाणला किए जाणला आमर ये ओडिशा जाणला
सुरेन्द्र साई संबलपुर जल्ले आर सी मजुमदार डॉक्टर पटनायक डॉक्टर मिश्र कैंट से गोटे सारा भारत में सिपाही मुटन लिभि जाइए ओडिशार संबलपुर सुरेन्द्र साई से गले सी छ मास काल ये देखते गोटे सात वर्ष काल 1870 1824 यार गोटे आउ गोटे बड़ आउ गोटे बड़ जिन देखु सात वर्ष काल इंग्रज मैंने पूरा व्यतिव्यस्त हो गले कौन करेंगे कौन न करेंगे गोटे गोटे अंडर करेन्ट गोटे 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 फ्लो करूला जोटा कि 1890 मसीह डब्ल्यू सी बेनेट बोले कि जन कमिशनर से निजे आडमिट कर 1870 मसीह पाइक विद्रोहटा क्षणस्थायी नुहे कि ग्रेटर इंपैक्ट पड़ुची समग्र ओडिशा उपरे जे 1870 विद्रोहटा होची गोटे ग्रेट इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन इन ओडिशा कहतु तो ये जो जिनस जो 1890 मसीह कहते 1857 मसीह तो सिपाही मुट नहीं सिपाही सिपाही मुटने पर आसीगला जो क्विंस रूल आसीगला कि प्रकार इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन देखते गोटे अर्थनैतिक आंदोलन सृष्टि कर 1870 मसीह पाइक विद्रोह 1870 पर भारत कौ अंचल ये प्रकार प्रभाव पड़ी 1870 मसीह पूर्व कथा छाड़ू अन्न कौन जगह ए प्रकार मो नजर मो ईरे अन्न मान थे कितु आमको 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 लड़ाक पड़े देखते आमर यही जिनस अच्छी आपणकर ना अन्न कौटे ना 1857 मसीह ना तेणु डब्ल्यू सी बेनेट जो कथा 1890 मसीह कही से जिनसटा 1895 मसीह केउंझर बोली गोटे गर्जात राज्य जोटा कि ये इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है आम कौचे कौन धरणी मेली बोली मैंने कहचे इंग्रेज सैन्य मान इंग्रेज सरकार कहते हैं उथ ड्यू रेस्पेक्ट मैडम बस साहित्यिका कवि हाँ फकीरमोहन सेनापति मत कहते धरणी मेली बोली कहते मेलीर हूँ ग्रुप ऑफ पर्सन्स गोइंग टू अप्रोच दर मास्टर फॉर द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस किंतु हेला कौन से मेली कर मैंने मेलियाटा मैंने गंडगोलियाटा आरेस्ट तेनाली इंपैक्ट पड़ुच्छे देखते नब्बे मसीह जो जो अफिसर कहले तार इंपैक्ट पड़ुच्छे गोटे 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 गर्जात आम ये दृष्टि यहाँ देखा कथा ता पूर्व आउ गोटे जिनस 1824 पर्यंत पाइक विद्रोह चलता 1825 मसीह मे मस 27 तारीख में बसी जगबंधु आत्मसमर्पण करते कंडीशनल आत्मसमर्पण करते 1829 मसीह जनवरी 24 तारीख तक देहांत होता किंतु पाइक विद्रोह जो बाघटा पाइक विद्रोह जो बाघ बा पाइक सैन्य इन प्रति पूरा भय था इंग्रेज सरकार 1831 आ 32 33 मसीह ढेंकानाल विद्रोह होला से इंग्रेज सरकार ए प्रकार वितत्रस्त हो जाते अरे प्रति गड़जात थे पाइक सैन्य प्रति कटक ट्रिब्यूटरी महर्ष जो 16टा ये 16टे पाइक सैन्य रोते सब काले ये पाइक मैंने पुणी आम विरुद्ध लड़े करेंगे कि पुणी इंग्रेज सरकार पूरा अलर्ट पूरा रहीगला तार कारण कहीं कहीं ना पाइक मैंने काले पाइक मैंने पुणी आउ थे काले उठी पड़े ता पूर्व आउ गोटे जिन बर्तमान कहती ये जो पाइक रेजिमेंट गठन कहीं करागला 1817 मसीह पाइक विद्रोह होला 1821 मसीह पाइक रेजिमेंट आरंभ होला से कहते पाइक गोटे हूँ गोटे क्लास पाइक इज नॉट ए कास्ट पाइक इज ए क्लास बोली कहते
मुझे एजे मिल्स एंड्रू जॉन मफत मिल्स कमिशनर थे 1840-41 बयास मसीह पाइक क्लास सब श्रेणी लोक तरह चलते कि पाइक जो पर्टिकुला जो पाइक जो फुट सोल्डर्स ऑफ लांडा मिलिशिया गोटे भ्रातृभाव था जहाँ को मानवा मानवे से हटेबा कमी जो ग्रेट फ्राटर्निटा को भांगा कमती तेणु से कौन कले ना कटक लेजिओन कटक लेजिओन टा आरंभ होता है 1814 मसीह से कटक लेजिओन रु गोटे विंग आनी से पाइक रेजिमेंट जहाँ नाम देते पाइक कंपानी बोली ना देते ओडिशा पाइक कंपानी बोलिक ना देते आग देते खोर्धा पाइक कंपानी तापर ना देते ओडिशा पाइक कंपानी कहीं तार आ गोटे ब्रांच है बालेश्वर गोटे बालेश्वर गोटे ब्रांच है पाइक कंपानी तार कौन हम पाइक मैंने आर चिराचरित दल दल बेहरा खंडा एम आनुगत्य न होकरी आमर आनुगत्य हे आम अंडर चाकरी करेंगे आम तेणु आम ये कौन हे सोल्जर हे सुबेदार हे हाबिलदार रे यही लोक विरुद्ध मानने यही ओडिया लोक विरुद्ध से लगे एवं एक्जाक्टली से 1821 मसीहा पर जो कोल कोल्ह आंदोलन है मयूरभंज 1821-1833 मसीहा लंग 12 इयर्स दुईटा फेज कोल से यही पाइक कंपानी यू पाइक मान को लेकर से कोल्ह आंदोलन को दबे दि जा दमन कर तो जहाँ से जो ये लिखी मुझे जो कौच पाइक रेजिमेंटा ये मात्र 1857 मसीहा पर्यंत तिष्ठि पारा 1821-1857 मसीहा पर्यंत तिष्ठि पारा कहीं 1857 मसीहा तो सिपाही मुटिन है सिपाही मुटिन पर बहुत किसी परिवर्तन है से गोटे 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 पॉलिटिकल गेम खेला बेंगल माने बेंगल रे 8th पुलिस बटालियन कहले से 8th पुलिस बटालियन भितर एक पाइक रेजिमेंट को पूरे दियो जे चाहिबो ता ते पसिब जे न चाहिबो तांको तां घर को फेरे दियो एवं तांको घरे तांकर ए जो लवर क्लास हे के रहंतु मूल्या हे के रहंतु हडिया हे के रहंतु चौकीदार हे के रहंतु तो बड़ा दयनीय अवस्था रे ये पाइक मैंने 1857 मसीहा बेलू किए चौकदार है किए हड़िया मूल्या रहा आउ कौन है ना खोर्धार आ गए नुआ जिनस खोर्धार है गोटे आग्रो इंडस्ट्रियल क्लास गोटे डेवलप कला बाहर लोक आसिले से मैंने सब पाइक मान अधस्थन कर्मचारी सब रखिकी तेना गोटे ग्राजुआल डेटोरेसन कि आरंभ है 1857 मसीह मान पाइक मान कि पाइक गोटे कि पाइक गोटे गोटे श्रेणी बा पाइक जहाँ कि जोटा कि छोट नुहत से अठारह सौ छियासठ मसीह 1857 मसीह 1866 8-9 वर्ष भितर 1866 मसीहा नौ का दुर्भिक्ष लक्ष लक्ष लोक मरले किंतु ये पाइक मैंने ये स्वाभिमानी से मैंने घर बारंडा रु तल को ओल्लानी आम अन्न छतर को जीवु ना आम अन्न छतर को आम जीवु ना आम हूँ राजपूत आम हूँ क्षत्रिय आम हूँ क्षत्री आम हूँ खंडायतर ये जो जो स्वाभिमान एमती है जो कहला आम लड़े करूँ तुम विरुद्ध पाइक गेव दर लास्ट फाइट एगेन्स्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस क्रुशियल पीरियड ऑफ ग्रेट फैमिन ऑफ 1866 जहाँ को कि इंग्रज सरकार कहले कौन नौक फितुरी जेमती 1817 मसीह पाइक विद्रोहटा को से कहले कौन एट जगबंधु फितुरी जगबंधु उर्लुगुलाण मान मान कि प्रकार
ना जगबंधु फितुरी मान जी खाली जगबंधु करवेन बहुत पुराणा ऐतिहासिक जगबंधु फितुरी बोली मेनसन कर मद्रास गवर्नमेंट रेकर्ड में लिखाई जगबंधु उल्लुगुलाण कि गोटे ग्रेटने ग्रेटर सैड को मानने आम के फोकस मैंने करें तो 1866 मसीह से जो नयक दुर्भिक्ष समय नारायण हरिचंदन ए पाइका लीडर अफ सिको सिको जगह खोर्धा सिको तार लीडरशिप रे पाइक विद्रोह आरंभ होला जनवरी फेब्रुआरी 1866 इट कंटिन्यू अप टू अगस्त 1866 मोर दैन 200% डाइड 74% वर सेंट टू प्रिजन्स सम टू द बियॉन्ड द तेणु पाइक विद्रोह देखु 1804 1866 मसीहा फॉर लॉन्ग 62 इयर्स दे हैड बीन फाइटिंग तेणु यही हूँ द ग्रेटनेस ऑफ द पाइक विद्रोह और पाइक पाइक सोल्जर्स तेणु पाइक विद्रोह यथार्थरे जदि आम कह हाँ ये प्रथम संग्राम हाँ तो भाच बोध किसी बोध भूल किसी हेनी कि भूल हेनी आतीक मुझे धन्यवाद सर। बर्तमान मु अनुरोध करी राज्य अभिलेखगार श्रीजुक्त उपेन्द्र कुमार बेहरा को आनुष्ठानिक भाव धन्यवाद अर्पण करूँ। नमस्कार। आज अभिलेख सप्ताह पालन उत्सव अवसर में मुख्य वक्ता भाव जोगद प्रोफेसर प्रशांत कुमार मिश्र महोदय ओडिशार पाइक विद्रोह उपर आलोकपात कले बहुमूल्य समय दे यह कार्यक्रम अंशग्रहण कर प्रोफेसर मिश्र महोदय को ओडिशा राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। अभिलेख सप्ताह पालन अवसर में ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीजुक्त मधुसूदन पाड़ी महोदय ओडिशा राज्य अभिलेखार इतिहास कार्यावली एवं यार विभिन्न समस्यार त्वरित समाधान उपरे आलोकपात कले। विभागीय निर्देशक श्रीजुक्त रंजन कुमार दास महोदय पाइक विद्रोह उपरे सम्यक सूचना देवा सह युववर्ग मैंने सेमिनार रे बहु संख्यार योगदान कर स्वागत करते। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीजुक्त मधुसूदन पाड़ी महोदय एवं निर्देशक तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीजुक्त दास महोदय प्रत्येक तत्वावधान में यह कार्यक्रम टी सफलता सहित हो पार कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। ओडिशा राज्य अभिलेखार अधीक्षक डॉक्टर शेख सोलेमन अली समस्त दर्शक सुधीमंडली गवेषक बुद्धिजीवी गणमाध्यम प्रतिनिधि शिक्षाविद एवं अभिलेखागार समस्त कर्मचारीवृंद को सहयोग निमंत धन्यवाद अर्पण करुच्ची। वंदे करुच्ची।